कश्मीरी पंडित पिछले 32 सालों से अपनी एक फाइट लड़ रहे हैं तो आई थिंक जो मैंने दिल से बोला वो दिल तक पहुंच गया और वो मैंने वन टेक में किया क्योंकि हमारी फिल्म ना किसी जाति के खिलाफ है धर्म के खिलाफ है ना ही किसी आ, पार्टी के खिलाफ है ये खिलाफ है तो टेररिज्म की हमारी फिल्म दर्शाती है कि अगर ह्यूमेनिटी हमारे बीच से गायब हो जाती है तो क्या होता है हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ मैं फैजान और आज हमारे साथ में द कश्मीर फाइल्स के वो एक्टर जिन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग से हम सबका दिल जीत लिया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ दर्शन कुमार की वेलकम टू बॉलीवुड नाउ थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दर्शन सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपसे क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म की अगर बात की जाए तो किस तरह की जर्नी रही इस फिल्म की ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रोल रहा इमोशनली मेंटली फिजिकली क्योंकि जैसे आप जानते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं इस फिल्म को साइन करने से पहले मुझे विवेक जी ने और पल्लवी जी ने कुछ आधे एक घंटे के कुछ वीडियोस दिखाए थे जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 फैमिली से से भी ज़्यादा फैमिली से वो मिले और फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स जिनके पिता के साथ कुछ हुआ या माँ के साथ कुछ हुआ या बहन के साथ कुछ हुआ तो वो वीडियो देख मैं नम रह गया था और जब विवेक जी ने कहा कि हम आपको एज ए लीड कृष्णा पंडित के रोल में लेना चाहते हैं आप सोचिए इसके बारे में तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक एक चीज़ जो मैंने उन वीडियोज़ में सुनी थी या उन लोगों के मुंह से सुनी थी वो उस स्क्रिप्ट के अंदर थी तो मुझे लगा कि ये सच्चाई बाहर आनी चाहिए लोगों को पता चलनी चाहिए कि पाँच लाख लोगों से भी ज़्यादा के साथ ऐसा कुछ हुआ और हमें पता ही नहीं क्योंकि हम एज एन एक्टर भी मैं अवेयर रहना चाहता हूँ चीज़ों से हमारे आसपास क्या घट रहा है तो मुझे खुद नहीं पता था और इसलिए आज ऑडियंस भी इतनी शॉक्ड है और सरप्राइज है कि ये बातें कभी हमारे सामने आई नहीं तो मुझे लगा ये सच सामने आना चाहिए और मैं अच्छा फील करता हूँ कि गर्व फील करता हूँ कि मैं उनकी उनके दुख को दर्द को लोगों के सामने ला सका सकाशर आपसे जानना चाहूँगा क्यों लगा इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहिए और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है हिस्सा बनना चाहिए तो मैंने आपको बताया कि कश्मीरी पंडित पिछले 32 सालों से अपनी एक फ़ाइट लड़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की अपना दुख और दर्द लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था कोई मानता ही नहीं था उनकी सच्चाई को तो आज लोग उसके साथ जुड़ गए हैं तो ये मेरा मकसद था कि सच्चाई सामने आए और कृष्णा पंडित को जिस तरह का प्यार मिल रहा है वो तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता मैं कृतज्ञ हूँ थैंक यू सो मच वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं आप लोगों का कितना एहसान एहसान मंद हूँ क्योंकि अभी एक नैरेटिव हो रहा है सामने आ रहा है सबके कि कृष्णा पंडित कृष्ण भगवान की तरह हैं वो कौरवों की बात भी सुनते हैं और पांडवों की बात भी सुनते हैं और उसके बाद क्लाइमेक्स में अपनी स्पीच में सत्य सामने रख देते हैं और जानते हैं अर्जुन कौन है जनता तो वो डिसाइड करे और उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म को हर इंसान को देखना चाहिए ना ही सिर्फ डिसाइड किया इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लिया इस कैरेक्टर को कृष्ण कुमार को कृष्णा को कृष्णा पंडित को दर्शन कुमार बोल रहा था मैं या दर्शन कुमार को और कृष्णा पंडित को अपने फैमिली का मेंबर बना लिया तो एक, एक गर्व महसूस होता है और एक इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं सोच के कि मैं इतनी बड़े परिवार का एक हिस्सा बन गया हूँ इतना प्यार इतना लोग जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो लगता है जितनी मेहनत करी है वो रंग लेकर आई है बिल्कुल क्योंकि इस फिल्म के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए ये फिल्म जैसे मैंने बताया कि इमोशनली मेंटली फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग थी मुझे दिन और रात ऐसे ही वीडियोस देखने होते थे जिसमें लोग अपने दुख को बयान कर रहे हैं या फिर मेरा कैरेक्टर आप जानते हैं बहुत असमंजस में रहता है तो मुझे दूसरे नेरेटिव भी देखने थे जो लोग कॉलेजों में नारे लगा रहे थे देश के खिलाफ ही सो so, वो क्यों लगा रहे थे वो भी सोचना था जो राधिका मैनन मेरी प्रोफेसर प्ले कर, हैं और पल्लवी जी जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो कमाल का उन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर सो so, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानना ज़रूरी था तो ये एक, एक बहुत ही चैलेंजिंग था और मुझे नहीं याद मैं किसी भी रात को ठीक से सो पाया और बहुत हैवी रहा मेरे लिए एज एन एक्टर बट ये है कि जैसे आपने कहा इतना प्यार मिल रहा है तो लगता है कि मेरी मेहनत सफल रही और ये मुझे कॉन्फिडेंस भी देता है कि मैं जो अगली फिल्म करूँगा क्योंकि ऑडियंस ने आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे सौंपी है तो मैं और दस गुना मेहनत करूँ और लोगों को सरप्राइज करूँ अपनी एक्टिंग के जरिए या फिर अपनी फिल्मों के जरिए इस किरदार की अगर बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियाँ की आपने इस किरदार के लिए एंड और क्या क्या आपने रेफ्रेंसेस लिए फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब ये कैरेक्टर अब तक पहुंचा मुझे सबसे पहले हमारे कास्टिंग डायरेक्टर तरन बजाज जी का कॉल आया था कि पल्लवी जी और विवेक जी आपको एज ए लीड कास्ट करना चाहते हैं कश्मीर फाइल्स में मैं सच कहूं तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट शायद मेरे कैरेक्टर को मतलब मेरे रोल को फाइनन होने से पहले ही छह महीने पहले हुई थी अनाउंसमेंट कि कश्मीर फाइल्स फिल्म बन रही है और जो सत्य घटनाओं पर आधारित है तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि किन सत्य घटनाओं पर पर मुझे लगा था कश्मीर फाइल्स बन रही है रियलिस्टिक सिनेमा है तो मेरे पास क्यों नहीं आई क्योंकि मैं उस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ कॉन्टेंट ओरिएंटेड, बट वही होता है आप यूनिवर्सल पावर से मांगते हैं और वो चीज़ें मिल जाती हैं शायद मेरे नसीब में थी और फिर मैं विवेक जी और पल्लवी जी से मिला और उन्होंने कहा कि हम आपको कृष्णा पंडित के लिए सोच रहे हैं एज़ ए लीड इस फिल्म में जिस क्योंकि ये पूरी कहानी कृष्णा पंडित की है और उसकी फैमिली पे क्या बीतता है वो सच जानना चाहता है और फिर क्लाइमेक्स में आ, सच सबके सामने रख देता है तो ये था कि मुझे लगा ये फिल्म करनी चाहिए और वो कहते हैं कि जिसके नसीब में लिखी होती है दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम तो ये फिल्म मेरे नाम पर लिखी थी और मैंने की और अपनी मेहनत की इस फिल्म के लिए कहीं ना कहीं ये प्रेशर था इतने दिग्गज कलाकार हैं मिथुन जी हैं अनुपम जी हैं तो आपके ऊपर पर्सनली कितना प्रेशर था एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड था बच्चों की तरह क्योंकि मैं इनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ ये हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं और इन्होंने हमेशा इंस्पायर किया अपनी परफॉर्मेंसेस के के द्वारा या फिर अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और वही मुझे अनुभव हुआ क्योंकि जब हम सेट पर थे तो ये सेट का माहौल एक फैमिली की तरह था हम लोग एक साथ खाते थे एक ही साथ बैठते थे हम भूल गए थे कि कोई वैनिटी वैन भी है हमारा क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आपने टेक दिया और आप फिर उसके बाद अपने वैनिटी वैन में या वहाँ जाकर अपने कैरेक्टर उस पर कैरेक्टर पर काम करते हैं लेकिन यहाँ हम इकट्ठा पूरी फिल्म पर काम कर रहे थे सीन्स पर काम कर रहे थे सीन्स को पर डिस्कशंस हो रही थी कि इस ये कैसे हुआ इतिहास में क्या क्या हुआ तो वो बहुत हेल्प की मुझे एज एन एक्टर कृष्णा पंडित पर काम करने के लिए तो हाँ वही होता है कि जब आप महान कलाकारों के साथ काम करते हैं तो बस आपको मोमेंट जीनी होती है वहाँ पर तो आपकी परफॉर्मेंस भी निखर जाती है तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ आपके अगर किरदार की अगर बात करें तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर मुझसे नहीं हो पाएगा ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये जहाँ पर आपको लगा हो कि आप वीक पड़ गए जब मैंने स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी तो जो मैं मोनोलॉग लास्ट में बोलता हूँ वो तेरह पेज का है मेरी रूह काप गई थी वो सब जानकर क्योंकि जो उसमें लिखा गया था वो हमारे महान इतिहास के बारे में लिखा गया और हमें पता ही नहीं ना हमें कभी वो पढ़ाया गया तो मैं पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा और फिर मुझे लगा कि आमतौर पर क्या होता है ऑडियंस के सामने अगर थोड़ा सा भी लंबा सीन ड्रैग हो जाता है या डायलॉग्स लंबे हो जाते हैं तो अपने फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं मैसेजेस देखना शुरू कर देते हैं या फिर बोलते हैं सीन ड्रैग हो रहा है फिल्म लंबी हो रही है मुझे लगा मेरे मुझे तो तेरह पेज तेरह पेज यानी पच्चीस से छब्बीस मिनट का मोनोलॉग है वो जिसमें सिर्फ दो तीन काउंटर्स थे तो मैं बहुत नर्वस था उसके लिए और एक्साइटेड uh, भी क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे लगा मैं इसको प्रॉप्स के साथ लाऊँगा ताकि लोग बंधे रहें मेरे साथ कुछ प्रॉप्स लेकर आऊँगा या फिर इस तरीके से करूँगा उस तरीके जो हम थिएटर में सोचते हैं परफॉर्मेंस के दौरान या उस पर जब उसको परफॉर्मेंस को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मैंने विवेक जी को बोला कि सर uh, मैं इसको वन टेक में करना चाहता हूँ <laughs> वो हिल गए कह रहे हैं क्या मैंने कहा सर मैं इसको वन टेक में करना चाहता हूँ बोले तो तेरह पेज छब्बीस मिनट कम से कम या तीस मिनट का मोनोलॉग आप वन टेक में करोगे मैंने कहा हाँ सर तो उन्होंने कहा एक मैं जानता हूँ तुम इस इस सीन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड भी हो एज एन एक्टर और तुम इसको अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो लेकिन मैंने इस सीन के लिए दो दिन रखे हैं या तीन दिन हम इसको पैराग्राफ के आप बांट लीजिए चंक में और हम इसको चंक में शूट करेंगे ताकि लगे कि हमारा हीरो एक इतनी इम्पॉर्टेंट बाट बात हमारे महान देश के बारे में बता रहा है तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो मैंने कहा सर मैं वही चाहता हूं कि ये लोगों तक पहुंचे क्योंकि अगर मैं इसको पैराग्राफ में या पार्ट्स में बांट लूँगा तो ये मकैनिकल हो जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा और वो कि यही एक जीनीस डायरेक्टर की खूब मतलब आ, वो होती है खूबी की उन्होंने कहा ठीक है मैं करता तुम करो मैं देखता हूँ तो मैंने कहा ठीक है सर अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो जिस तरह से आप शूट करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिए और मैंने वही किया मैंने मोनोलॉग का एक एक वर्ड जो मैं, मैंने बोला पहले तो मैंने उसको रिसर्च किया क्योंकि जब तक मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो ऑडियंस कैसे होगी तो जैसे मैंने बोला मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को तो मैंने ललेश्वरी जी के सारे वाक सुने जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को तो जितनी बुक्स या जो कुछ भी उनका अवेलेबल है लाइब्रेरी में या फिर विवेक जी के थ्रू मुझे मिला तो वो सब मैंने पढ़ा तो जितने मैंने महान लोगों के बारे में बात की वो सब के बारे में पढ़ा और फिर मुझे लगा कि अब मैं इसको दिल से बोलता हूँ क्योंकि मैं कृष्णा पंडित की जर्नी जी चुका हूँ उस पर काम कर चुका हूँ और मैंने वही किया मैंने वो दिल से बोला और वो लोगों के दिलों को छू रहा है उनको गूज आ रहे हैं वो रो रहे हैं तो आई थिंक जो मैंने दिल से बोला वो दिल तक पहुंच गया और वो मैंने वन टेक में किया दर्शन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी मेरी आपसे बात हुई आपने प्रेशर के ऊपर हमने एक बात करी थी और ये भी प्रेशर होता है कि जब आप कोई रियल सिनेमा बनाते हैं आप रियल सिनेमेटिक कुछ भी आप उस तरीके का कॉन्टेंट आप लेकर आते हैं तो प्रेशर कितना होता है क्योंकि सबको स्टोरीज़ पता होती है लोगों को पता है वहाँ पे क्या हुआ है किस तरीके की चीज़ें हुई हैं लोग जज करेंगे आपके किरदार को ट्रोल किया जाएगा या कुछ इस तरीके की चीज़ें वो प्रेशर कितना होता है बतौर कलाकार जब आप बायोपिक करते हैं तो बहुत ही ऐजी मामला होता है क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही मिमिक्री करने लगेंगे कॉपी करने लगेंगे तो मिमिक्री लगता है और अगर आप आसपास भी नहीं हैं कैरेक्टर के तो लगता है कि नहीं बात नहीं बनी ऑडियंस तो बोल सकती है उनका हक है क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं और अपना टाइम भी दे रहे हैं तो वो बहुत होता है जो मैंने मेरी कॉम में कोशिश की कि मुझे ऑनलर से ही ऑन स्टेज मिला कॉम्प्लीमेंट या संजय लीला बंसाली सर से मिला सबसे मिला और ऑडियंस से आप लोगों से प्यार मिला और वैसे ही सरबजीत में हुआ जितनी मैंने रियलिस्टिक फिल्में की पर इस फिल्म के साथ ये था कि सच्चाई लोग जानते ही नहीं थे तो मुझे तो उनको रूबरू कराना था कि सच्चाई असल में क्या घटा तो ये तो मैं खुद सरप्राइज था ये सब जानकर मुझे पता ही नहीं था आप समझ सकते हैं एज एन एक्टर हमें आप भी पत्रकार हैं तो हमें हर चीज़ से अवेयर रहना होता है लेकिन जब ये चीज़ें सामने ही नहीं थी पता ही नहीं था तो मुझे लगा ये ऑडियंस खुद सरप्राइज़ होगी देखकर और वो जानना चाहेगी इस फिल्म के बारे में और वही हुआ ऑडियंस ने इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लिया ना ही उसको सपोर्ट कर रही है बल्कि इतना प्रमोट कर रही है कि हर इंसान को खुद लोग पैसे देकर टिकट खरीद कर दे रहे हैं कि तुम इस फिल्म को ज़रूर देखो ताकि ये किसी भी कम्यूनिटी के साथ किसी भी इंसान के साथ कभी ना हो क्योंकि हमारी फिल्म ना किसी जाति के खिलाफ है धर्म के खिलाफ है ना ही किसी आ, पार्टी के खिलाफ है ये खिलाफ है तो टेररिज्म के और टेररिज्म से तो हम सब हम सब उस उनके विक्टिम हैं हमारे साथ तो घटा है हर एक के साथ बॉम्बे में कितने अटैक हुए या फिर कश्मीर में भी लोग बाग दुखी हैं कि टूरिज़्म कम होता जा रहा है तो ये सिर्फ लड़ाई टेर्रिज़्म के ख़िलाफ़ है इसलिए लोगों को पसंद भी आ रही है दो तरह की ऑडियंस है इस फिल्म की एक जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे वो जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस फिल्म को विरोध कर रहे हैं देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी फिल्म ना किसी जाति धर्म और ना ही किसी आ, पार्टी के खिलाफ है हमारी फिल्म खिलाफ़ है तो सिर्फ टेररिज्म के हम हमेशा ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं जस्टिस की बातें करते हैं लेकिन हमारी फिल्म दर्शाती है कि अगर ह्यूमैनिटी हमारे बीच से गायब हो जाती है तो क्या होता है अगर आप गौर करें कि कोविड टाइम में हम सब भूल गए थे जात पात धर्म पार्टी जितना हो सक हो सक आ, सका जिससे भी जिस तरीके से भी उसने दूसरे इंसान की हेल्प की चाहे वो खाना पहुंचाना हुआ दवाइयाँ पहुंचानी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने हुए तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए ये पैंडमिक ने हमें सीख दी है कि हम एक रहें एक दूसरे से प्यार करें और यही सीख हमारी फिल्म भी देती है तो आप प्लीज़ फ़िल्म को ज़रूर देखिए और उसके बाद हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हमारा हक है बोलने का अगर आपको लगता है कि फिल्म देखने के बाद कि ये फिल्म उस तरीके से नहीं बनाएगी जिस तरीके से आप सोच रहे थे तो आप प्लीज़ उसके बारे में बात कर सकते हैं लेकिन मेरे मानना ये है कि आप फिल्म देखने के बाद आप भी जुड़ जाएंगे टेररिज्म के खिलाफ मुहिम में ये तो फ़िलहाल फिल्म की बात हुई दर्शन की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी भी काफ़ी लंबे समय से आप काम करते हुए आ रहे हैं लेकिन लगता है आज भी वो मतलब आपको इस फिल्म के द्वारा वो पहचान मिली है कहीं ना कहीं कि कि, कि, कितनी मुश्किल रही है जर्नी आपके लिए बहुत ही रोलर कोस्टर राइड कह सकता हूँ मैं क्योंकि आसान नहीं होता ये मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री यानी हर इंडस्ट्री में ये है कि अगर आपको टॉप लेवल पहुँचना है तो उसमें टाइम लगता है उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए हार्ड वर्क चाहिए अपने क्राफ्ट पर काम करते रहना चाहिए तो वही मेरे लिए रहा मैं कोशिश करता रहा और इवन इतना बड़ा ब्रेक मिलने के बाद मैरी कॉम जो मैंने की संजलीला बंसारी सर ने मुझे लॉन्च किया और मैं प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट लीड में आया सो so, ये बहुत बड़ा ब्रेक होता है लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहा क्योंकि उसी तरह के रोल मिलते रहे और बहुत से डायरेक्टर्स जो मुझ पर भरोसा करते हैं एज एन एक्टर मुझे प्यार करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए लीड लेना चाहते हैं लेकिन एक बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए प्रोड्यूसर्स को आप पैसा लगाने के लिए तो मुझे था कि एज एन एक्टर एज ए लीड आपकी कोई फिल्म हंड्रेड मैं कोश ये सोचा था फिफ्टी भी क्रॉस कर जाए तो yeah. शायद प्रोड्यूसर्स को मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा लेकिन जब कहते हैं ना ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और तुम्हें तो अभी 300 करोड़ करोड़ के ऑलमोस्ट बहुत करीब हूँ एज ए लीड एक्टर तो ये अभी वही जो डायरेक्टर्स कह रहे थे उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेरे पास पहुँचा भी दी है तो ये जनता और जनार्दन का जो बोलते हैं जनता जनार्दन होती है जनता भगवान होती है तो उन्होंने सिद्ध कर दिया सो थैंक यू सो मच और जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर खरा उतरूँ और और मेहनत करूँगा ताकि आप लोगों को डिफरेंट और अलग तरीके का सिनेमा दे सकूँ जर्नी के बारे में तो सबसे सब ने आपसे पूछा सब ने जाना कि आ, किस तरीके की आपकी जर्नी रही है कितनी मुश्किलें आपने देखी है मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं इस जर्नी के दौरान मैं उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ बहुत बार थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ बट uh, हाँ क्योंकि ये आसान नहीं है किसी भी एक्टर के लिए अगर कोई बाहर से आता है आप जानते ही हैं मुंबई शहर बहुत ही महंगा शहर है और यहाँ पर रहना खाना और हमारी एक्टिंग लाइन का तो एक और पहलू ये है कि आपको अच्छा दिखना भी होता है अच्छे कपड़े भी पहनने होते हैं आपको एज एन एक्टर अपने आप पर काम करना होता है जिसके लिए आपको बॉडी अच्छी रखनी पड़ती जिसके लिए अच्छा खाना खाना पड़ता है जो बहुत महंगा होता है और आपको किकबॉक्सिंग या अपने आप पर रियाज करने के लिए क्लासिकल सीखना बहुत सारा काम होता है एंडलेस लिस्ट है उसकी तो उसके लिए पैसे लगते हैं तो ये शून्य पर घूमता रहता है कि जब पैसे होंगे तो करूँगा या फिर करूँ तो पैसे आएंगे तो वो मैनेज करना बहुत भारी था क्योंकि थिएटर में पैसे नहीं हैं थिएटर में सिर्फ आपको कन्वेंस मिलती है तो उसे घर नहीं चलता तो संघर्ष बहुत बड़ा रहा बहुत भारी रहा कह सकता हूँ कि बट यह है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है अगर आप मेहनत करेंगे पेशेंस रखेंगे अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती जिस तरीके से आपने बताया अभी कि बॉक्स ऑफिस के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब, हैं अब वो नंबर्स हो गए हैं अब वो नंबर्स मिल गए हैं अब किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करते नजर आएंगे दर्शक मैं वही कोशिश करूँगा कि रियलिस्टिक सिनेमा करूँ क्योंकि आजकल ऑडियंस की डिमांड वही है वो कॉन्टेंट ओरिएटेड रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहती है ऐसी कहानियाँ देखना चाहती है जो उनके आस घट रही हो या ऐसे कैरेक्टर्स को देखना चाहती है जो जिनको वो जानते हैं सो so, क्या होता है वो रिलेट कर सकते हैं उसके साथ और हम रियल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं हम हमेशा भागने की कोशिश करते हैं उससे तो जब लेकिन ऑडियंस चाहते हैं कि उसका आंसर बड़े पर्दे पे मिले या वेब सीरीज़ में मिले या स्क्रीन पे मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि रियलिस्टिक सिनेमा करूँ कोशिश करूँगा कि कुछ कॉमेडी करूँ क्योंकि हसाना लोगों का एक बहुत सबसे टफ़ काम होता है और मैंने बहुत प्लेज किए हैं कॉमेडी के और कोशिश की है कि उन पर मेहनत की है मैंने और मुझे बहुत अप्रिशिएशन भी मिला है तो वो करूँगा एक्शन सीख रहा हूँ मैं दस पंद्रह साल से किक बॉक्सिंग करता हूँ मार्शल आर्ट्स करता हूँ तो कुछ एक्शन फिल्म होगी तो तो कोशिश करूँगा हर तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन करने की ये तो फ़िलहाल आपने रोल्स के बारे में बता दिया लेकिन कोई एक ऐसा रोल कोई ड्रीम रोल जो आपके दिल में हो जो अभी तक आपको करने का मौका ना मिला हो लेकिन दिल में वो चाहत है कि हाँ ये रोल आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा बहुत सारे रोल हैं ऐसे कोई एक बताना चाहेंगे हाँ अगर मैं कहना चाहूँ तो जोकर का रोल क्योंकि जो लास्ट फिल्म भी आई है जो हर हर बार आप उसमें एक लेयर ऐड कर सकते हैं उस कैरेक्टर में बहुत ही उस कैरेक्टर में आपको एज एन एक्टर खेलने के लिए बहुत कुछ होता है तो वो बिल्कुल वैसा करना चाहूँगा और या कोई भी चैलेंज जैसे मैंने बताया कोई भी एक्शन फिल्म या कॉमेडी फिल्म या रियलिस्टिक सिनेमा तो मैं हमेशा करता ही रहूँगा लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं जो आप अपने दिल की बात जो दर्शकों तक पहुँचाना चाहें जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं शब्दों में आपका एहसान बयाँ नहीं कर सकता क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जनता जनार्दन होती है जनता भगवान होती है तो आप लोग मेरे लिए भगवान बन गए हैं सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए मेरे कैरेक्टर को इतना प्यार देने के लिए हमारी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए उसे सर आँखों पर रखने के लिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहना क्योंकि आपके प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है सो लॉर्ड्स ऑफ लव थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दर्शन हमसे बात हमसे बात करने के लिए so बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए एंड उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का काम आप करते रहें और हम आपसे मिलते रहें थैंक यू सो मच थैंक यू कैमरा मैन दीपक के साथ फैजान बॉलीवुड नाव